और आज हम देखेंगे कि हम अपने डेटाबेस से डेटा रीड कैसे करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने डेटा इंसर्ट किया था और हम वही देख रहे थे कि डेटा इंसर्ट होता है वो कैसे इसमें व्यू होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउज़ करना है। तो ये हमने जो डेटा डाली थी, या आप उस डेटा को देख सकते हैं जो आपने इंसर्ट किया था। हमने राम, श्याम, मोहन और ये डेटा इसमें इंसर्ट किया था। आज हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को रीड करेंगे अपने पाइथन फाइल के अंदर, या पाइथन में हम डेटा को रीड कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप। देन यहाँ पर हम लेंगे सिंपल प्रोग्राम और ये हमारा है 63 एग्जांपल है, 63 रिट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इसको एसक्यूलाइट को, एसक्यूलाइट 3 को। देन हम क्या करेंगे, देन कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे कनेक्शन और यहाँ पर हम लेंगे एसक्यूलाइट 3 डॉट, हमारी मेथड होती है कनेक्ट, एंड इस मेथड में हम पास करेंगे हमारे डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम देंगे हेलो डॉट डीबी। अब यहाँ पर हम कर्सर का यूज़ करेंगे, तो हम कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन यहाँ पर कनेक्शन डॉट कर्सर मेथड है हमारी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल के जो कॉलम है उनको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे, हमारा सबसे पहला जो है वो है आईडी। तो यहाँ पर हम देंगे आईडी, देन फिर टैब लेंगे टैब, और यहाँ पर हम लेंगे हमारा नेम, देन फिर टैब देंगे और यहाँ पर हम देंगे हमारी सैलरी। तो यहाँ हम देंगे सैलरी। अब हम क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पर अगर आप कोई भी, मैं एक बार इसको रन करके देख लेते किस टाइप से हमारा ये व्यू हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं आईडी, नेम एंड सैलरी। अब हम क्या करेंगे, अगर आप कोई सा भी डेटाबेस अगर यूज़ किया हुआ है आपने, तो आपने सिंपल क्वेरी होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड डेटाबेस, डेटाबेस नेम जो भी आपका है, तो वही क्वेरी हम यहाँ पर भी फायर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्सर, यहाँ हम लेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड हमारी क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट देन स्टार देन फ्रॉम और हमारी टेबल नेम जो भी। तो यहाँ पर हमारी टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई, ये हमारी टेबल नेम, और इसे हम क्या करते कर्सर के अंदर ले लेते। तो यहाँ हम लेंगे कर्सर के अंदर हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो वो रो बाय रो हम डेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इसको रो बाय रो डेटा रीड करने के लिए हमको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक लूप में लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फोर लूप। तो यहाँ पर फोर और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे रो इन और यहाँ पर हम देंगे कर्सर। अब ये क्या होगा, हमारा कर्सर का जो भी डेटा होगा वो वन बाय वन किस में रीड होता जाएगा, ये कॉपी होता जाएगा रो के अंदर। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रो बाय रो। तो यहाँ पर प्रिंट और इसमें हम लेंगे रो जीरो, सबसे पहले हमारा क्या होगा रो
जीरो इंडेक्स, रो का जीरो इंडेक्स, देन सॉरी सबसे पहले इसको बाहर लेना पड़ेगा, रो का जीरो इंडेक्स देन कॉमा, यहाँ पर टैब करेंगे तो यहाँ पर टैब के लिए हम क्या करेंगे, टी स्लैश टी फॉरवर्ड स्लैश टी, देन यहाँ पर मैं करूँगा रो कॉमा, रो का वन इंडेक्स तो यहाँ पर लेंगे रो का वन इंडेक्स, देन कॉमा, देन फिर टैब। टैब मीन्स ये थोड़ी सी स्पेस देता है, देन यहाँ पर रो टू मतलब रो का सेकंड इंडेक्स, तो ये हमारा क्या रो वन सॉरी रो का जीरो इंडेक्स, रो का वन इंडेक्स एंड रो का टू इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर हम आएंगे कनेक्शन क्लोज। अब हम क्या करेंगे अपनी इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो ये आप देख सकते हैं हमारा डेटा जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया था वो हमारा प्रिंट हो चुका है। अब चूंकि हमने ये क्वेरी दो बार फायर कर दी थी इसलिए दो बार ये डेटा इंसर्ट हो चुका था, तो ये अगर आप देख सकते हैं हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर वन एक चीज़ और आती है कि डेटा अपडेट कैसे करें। सपोज हम चाहते हैं कि हमारी जो भी सैलरी है इसमें हम 200 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, हमारा जो भी सैलरी वाला कॉलम है हम इसमें हर एक आइटम में 2000 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ मीन्स हम डेटा अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्वेरी चलाएंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हमारी मेथड है। देन अगर आप नॉर्मली अगर आपकी अपडेट के लिए क्वेरी करते हैं तो आप लिखते हैं अपडेट अपडेट, और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा हमारी टेबल नेम, तो यहाँ पर हम देंगे एम्प्लॉय, देन सेट करेंगे सेट, और यहाँ पर हम करेंगे हमारे जो भी कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या होगा हमारा, किस कॉलम में हम अपडेट करना चाहते हैं, तो कॉलम हमारा होगा सैलरी 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 एंड सैलरी इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी प्लस 2000। देन हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई डेटा अपडेट या इंसर्ट करते हैं तो हमें कमिट करना ज़रूर होता है, तो यहाँ पर हम देंगे कनेक्शन डॉट कमिट कमिट। अब हम क्या करते हैं, देन फिर वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे इसको रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दो दो का हर एक आइटम में जो भी हमारी सैलरी थी हर एक में दो दो का 2000 का इंक्रीमेंट हो चुका है, मींस ये हमने क्या किया डेटा अपडेट किया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं अपने डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, वेयर का भी आप यूज़ कर सकते हैं वेयर का भी। तो आप इसमें जो भी आप क्वेरी आपकी एसक्यूएल क्वेरी है आप कोई भी क्वेरी इसमें फायर कर सकते हैं। तो ये था हमने देखा कि डेटा व्यू कैसे करते हैं डेटा अपडेट कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।